खुद पर ध्यान देना कितना मुश्किल है, जबकि दूसरों पर ध्यान देना, दूसरों पर नजर रखना व दूसरों को परेशान करना कितना आसान लगता है और लोगों को इसी में आनंद आता है। और आज हमारे दुखों और परेशानियों व समस्याओं की मुख्य जड़ यही है कि हम खुद पर ध्यान नहीं देते, खुद की कमियों पर ध्यान नहीं देते और बाद में पछताते हैं। जितने भी सफल लोग हैं उनका लक्ष्य यही होता है कि मैं खुद पर ध्यान दूं, खुद की कमियां खोजकर उसे कैसे दूर करूं। इसी पर आधारित आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद आपका भी ध्यान खुद पर आ जाएगा व आप भी सफल लोगों की श्रेणी में गिने जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक लड़का था जो कि बहुत गरीब था और वह कुछ काम भी नहीं करता, बस अपना समय इधर उधर के काम में व्यतीत करता। उसकी इस अवस्था के कारण उसका न परिवार में न समाज में कोई भी सम्मान नहीं था। वह भी जानता था कि उसकी बेरोजगारी असफलता के कारण उसका सम्मान व इज्जत कोई नहीं करता, जबकि उसका मित्र एक अच्छा नौकरी करता है और लोग उससे प्यार करते हैं, उससे प्यार से बात करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि वह पैसा कमाता था। जैसे सूखे वृक्ष को बिना पत्तों की वजह से काट दिया जाता है, उसी तरह गरीब लोगों को आपके रास्ते से हटा दिया जाता है, उससे अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया जाता है। वह व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह लड़का जो भी करता उसे हार का सामना करना पड़ता। एक बार वह उदास मन से सड़क पर चले जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक साधु मिले। उसकी समस्या के विषय पर वह अपना एक प्रवचन दे रहे थे, जहां पर उनके बाकी शिष्य बैठकर उसे सुन रहे थे। वह लड़का भी वहीं गया, वहां बैठ गया और अपनी समस्या से जुड़े समाधान सुनने लगा, पर उसे संतुष्टि ना हुई। वह साधु से बोला, गुरुजी, मेरा जीवन बहुत कष्टदायक है, जो काम करता हूँ उसमें हार मिलती है, अपने सगे संबंधी मौके पर छोड़ जाते हैं और समाज और परिवार में लोग मजे लेते हैं, ताने देते हैं। तब वह गुरु कहते हैं, यह कोई दुख नहीं है, इससे बड़ा अगर कोई दुख आए, अगर कोई कष्ट आए या परेशानी आए तब मेरे पास आना। तब वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। उसके बाद वह अपने गांव जाता है। अपने दोस्तों की सलाह व थोड़े से पैसों से वह एक व्यापार करता है। धीरे धीरे वह फायदे में जा रहा था, पर समय बहुत बलवान है, वह किसी को नहीं छोड़ता। वह बहुत मिलावट करने लगा, अपने काम में ठगी करने लगा, जिसकी वजह से उसकी पहचान समाज में खराब होने लगी। धीरे धीरे वह व्यापार उसका ठप्प हो जाता है। वह साधु के पास जाता है, अपनी समस्या कहता है, पर साधु आज भी उसे यही जवाब देकर वहां से भेज देते हैं। और लड़का सोचता है, आखिर यह छोटा दुख है तो बड़ा दुख क्या होगा? अगर छोटे दुख में मैं नहीं रह पा रहा हूँ तो बड़े दुख में क्या होगा? तभी कुछ महीनों बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तब वह बहुत परेशान होता है, बहुत रोता है और इसी वियोग में खाना पीना भी बंद कर देता है। धीरे धीरे वह बीमार पड़ने लगता है। इस बार उसने अपने आप को अकेला और अभागा पाता है। तब वह फिर साधु के पास गया और बोला, साधु जी, आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है, वह इस दुनिया से चले गए हैं और मैं अकेला रह गया हूँ, उनके बिना मैं नहीं रह सकता। तभी वह लड़का कहता है, गुरु जी, मुझे यह बताइए सबसे पहले कि जीवन क्या है और हम इस संसार में क्यों आए हैं, क्योंकि जो भी इस संसार में आया है वह चला जाता है। गुरु जी, जीवन क्या है और हम इस संसार में क्यों आए हैं, क्योंकि जो अपनी संपत्ति के लिए, अपने पैसों के लिए मुझसे लड़ते थे, मुझे पैसे नहीं देना चाहते थे, वह किसी को अपना धन संपत्ति
छूने नहीं देते थे, पर आज देखो वह सब कुछ यहीं पर पड़ा हुआ है। पर जब हम कुछ मांगते थे हमें मना करते थे, जब हम कुछ लेकर जा नहीं सकते तो हमारा मन हमारा ध्यान इसी पर क्यों लगा रहता है, माया में क्यों भटक रहा है और हम इसी में क्यों परेशान रहते हैं। सब कुछ सुनकर साधु कहते हैं, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि हमारा जीवन अनमोल है, कीमती है, हमारे साथ कोई अपना बनकर नहीं रहेगा। अगर कोई तुम्हारे साथ अपना बनकर है तो इसका मतलब यही है कि वह तुमसे अपना कोई स्वार्थ निकालना चाहता है। साधु कहते हैं, लोगों पर ध्यान मत दो, खुद पर ध्यान दो, खुद के अनमोल जीवन पर ध्यान दो, संसार में मत फंसो। यहाँ पर जो भी आया है वह एक दिन जाएगा, केवल हमारे अच्छे कर्म शुभ विचार हमारे साथ जाएंगे, यही प्रकृति का नियम है। इसलिए अपने कर्म को अच्छे करो, अपना ध्यान प्रभु पर लगाओ और फालतू की चीजों पर ध्यान मत दो, अपना समय बर्बाद मत करो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी और तभी तुम आगे जाकर कामयाब हो सकते हो।